नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो दिस इज एपिसोड नंबर 3 ऑफ BMT, बस सी मोटिवेशन टॉक्स। और जाते जाते आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और एक नया वर्ड करना है आपको, मेडिटेशन करनी है जाते जाते। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। ध्यान एज इन कि अगर आपका ऑफिस में ध्यान नहीं लग रहा, अगर आपका स्टडीज में ध्यान नहीं लग रहा, अगर आपका लाइफ में ध्यान नहीं लग रहा, तो आप 3 मंत्र का ही 3 मंत्र का वो कर सकते हो, जाप कर सकते हो। पहला, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवः सधीमहि धियो यो न प्रचोदया। दूसरा, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। तीसरा, जो कि किसी ने नहीं सुना, नम यो हो रिंगे क्यों, ये है बुद्धिज्म का, और दो है आपका हिंदुइज्म का। जी हाँ, मैं बुद्धिज्म ही करता हूँ। और चौथा 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 है आपका हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चार वर्ड, 4 मंत्र से आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन शुरू कर सकते हो, चैंटिंग शुरू कर सकते हो। बेसिकली चैंटिंग इज़ ए टाइप ऑफ मेडिटेशन ओनली। चाहे आप आंखें बंद करके करो, चाहे आप आंखें खोल के करो, चाहे आप ध्यान लगा के करो, चाहे आप अपने फ्री टाइम में करो, चाहे आप वो क्या कहते हैं वो, चाहे आप दुखी हो किसी बात से, उससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको करनी है मेडिटेशन आपकी भलाई के लिए, आपके मॉम डैड की भलाई के लिए, आपके घर वाले की भलाई के लिए, आपके होने वाले भविष्य के लिए, आपके आपको अगर कुछ रिसीव करना है, कुछ रिसीव करना है, तो ये 4 मेडिटेशन के मंत्र है, वो मैं आपको यहाँ पे कहीं पे दे दूंगा, तो वो आपको करना है। और फिर देखो आप 0 से हीरो कैसे बनते हो। तो 0 से हीरो बनने के लिए आपको मेडिटेशन के 4 मंत्र लगेंगे, वो मैं आपको यहाँ यहाँ पे देखूँगा। तो उसको देखो, समझो, R&D करो और फिर करो। तो मेडिटेशन के फॉर्म है, टाइप है, या काइंड है, या कैटेगरी है, जो कुछ भी आपको कहना है कह लो, है 9। जी हाँ, 9। तो ये मैं आपको धीरे 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 इस वीडियो में बताऊंगा। तो टिके रहो और समझो कि मेडिटेशन का पहले से लेकर आखिरी तक, मतलब 9 तक कौन से टाइप है। तो बने रहो, समझाता हूँ, रुको रुको, समझाता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ, और बने रहो बने रहो, प्लीज़ बने रहो। तो मेडिटेशन में सबसे पहले आते हैं ये आपका माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसका मतलब ये है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम बुद्धिज्म टीचिंग एंड इज द मोस्ट पॉपुलर मेडिटेशन टेक्निक इन द वेस्ट। मतलब ये वेस्ट में, वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस की जाती है, और ये बुद्धिज्म टीचिंग है, बुद्धिज्म टीचिंग की मेडिटेशन है, जैसे गौतम बुद्ध बैठते थे वैसे। और इसमें इसमें इन माइंडफुल ऑफ मेडिटेशन यू पे अटेंशन टू योर थॉट्स एज दे पास थ्रू योर माइंड। यू डोंट जज द थॉट ऑन और बिकम इन्वॉल्व विद देम, यू सिंपली ऑब्जर्व एंड टेक नोट ऑफ एनी पैटर्न। जैसे आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि हे राम मैं फेल हो जाऊंगा, हे राम मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा काम नहीं होगा, तो आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपको उस जो आपको अंदर जो वो आ रहा है, सोच है जो आपके अंदर, जो सोच है, जो विचार है, जो थॉट है, उसको उस पर ध्यान देना है कि वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे, और अगर वहाँ तक पहुँच गया तो आगे क्या, अगर वहाँ तक पहुँच गया तो आगे क्या। तो
अंकेमन करना है, अंकेमन करके ये सोचना है कि अगर मैं वहां तक पहुंच गया, अगर मैं पहले, तो ये होगा कैसे? अगर आपको पास होना है तो आप क्या करोगे? स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे, हार्ड स्टडी करोगे, हार्ड वर्क करोगे, टीवी देखना छोड़ दोगे, दुनिया से घुल मिलना छोड़ दोगे, और 6 घंटे पढ़ाई करोगे, चलो 24 घंटे पढ़ाई करोगे, ठीक है, टॉपर बन जाओगे, पढ़ाकू बन जाओगे, ठीक है, रात दिन में एक कर दोगे। तो इसलिए ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन ऐसे भी होती है, ठीक है, मेडिटेशन ऐसे भी होती है, मेडिटेशन आप जब नहाते हो तब भी होती है। जी हाँ, आप जब नहाते हो तब भी होती है मेडिटेशन। तो पहला है, पहले क्या था, पहला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें आपको क्या करना है, आंख बंद करनी है और सोचना है कि आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, आपका जो ड्रीम्स है, उसमें आप कैसे पहुंचोगे, उसके पहुंचने के लिए आप क्या करोगे। चाहे आपको फोन चाहिए, चाहे आपको घर चाहिए, चाहे आपको एक ड्रीम जॉब चाहिए, चाहे आपको कोई यूट्यूबर ही क्यों ना बनना हो, चाहे आपको एक एक्टर ही क्यों ना बनना हो, आपको क्या करना पड़ता है एक्टर बनने के लिए, यूट्यूबर बनने के लिए, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, या कुछ भी बनने के लिए। तो ये कहता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो कि है नंबर वन। दूसरा आता है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। स्पिरिचुअल मेडिटेशन इज यूज इन सॉरी ईस्टर्न रिलीजन सच एज हिंदुइज्म, डिवोइज्म एंड इन क्रिश्चियन फेथ। इट इज सिमिलर टू प्रेयर इन इन दैट यू रिफ्लेक्ट ऑन द साइलेंस अराउंड यू एंड सीक अ डीपर कनेक्शन विद योर गॉड और यूनिवर्स। एसेंशियल ऑयल्स आर कॉमनली यूज टू हाइटन द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। पॉपुलर ऑप्शन इंक्लूड फ्रैगेंस, मिंट, सेग, सैदर, सॉरी सिदर, सैंडलवुड, पिलो, सेंटो। मतलब ये कहना चाहता है कि स्पिरिचुअल जो मेडिटेशन होती है, जो कि मेडिटेशन का दूसरा पार्ट है, वो जैसे आप हम लोग जैसे कहते नहीं है, ये अगरबत्ती जला दी, जोत जला दी, तो जोत जला के जो पूजा करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव की जो साइड है वो पॉजिटिव में बदलते हैं, वो होता है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। मेडिटेशन में तीसरा आता है फोकस मेडिटेशन। इसका मतलब फोकस मेडिटेशन इन्वॉल्व कंसंट्रेशन यूजिंग एनी 5 सेंस। फॉर एग्जांपल, यू कैन फोकस ऑन समथिंग इंटरनल लाइक योर ब्रीथ, और यू कैन ब्रिंग इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टू हेल्प फोकस योर अटेंशन। ट्राई काउंटिंग मेल माला बीट्स, लिसनिंग टू गॉन्ग और स्टिरिंग ऑफ अ कैंडल फ्लेम। मतलब ये आपको मदद करता है अपनी सांस सुनने के लिए। जैसे आप कपालभाति करते हो, तो आप जैसे आप योगा करते हो, ठीक है, जैसे आप योगा करते हो, योगा में आप कैसे अपनी सांस को गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वैसे ही फोकस मेडिटेशन कहता है कि कि आप गिन सकते हो अपनी ब्रीथ को, सांस को, और आप ये भी गिन सकते हो, आप ये भी ला सकते हो अपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को, ताकि वो आपको मदद करे किया अटेंशन ग्रैब करने में अपने आप की। मतलब आप इतनी सॉलिड मेडिटेशन कर सकते हो, इतनी सॉलिड मेडिटेशन कर सकते हो कि वो आपको मदद करे अटेंशन में, मतलब
पढ़ाई लिखाई के टाइम, जैसे आपने सुना है कि डूड आई वर्क हार्ड टू गेट मार्क्स, आई वर्क हार्ड टू अर्न मनी, आई वर्क हार्ड टू पे माई बिल्स, तो वो होता है फोकस मेडिटेशन। और हाँ, इसको आप प्रैक्टिस कैसे करोगे ये भी बता देता हूँ। दिस प्रैक्टिस मे बी सिंपल इन थ्योरी बट इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। ये जो प्रैक्टिस है सिंपल है थ्योरी में, ठीक है, बट लेकिन लेकिन डिफिकल्ट है शुरुआती शुरुआत करने में, और टू होल्ड देयर फोकस फॉर लॉन्ग देन अ फ्यू मिनट्स एट फर्स्ट। मतलब आपको मतलब ये कहना चाहता है कि ध्यान लगाना है अपने फोकस में, अपने लक्ष्य में, अपने मोटो में, अपने गोल में, और डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन पहले कुछ मिनट के लिए ये डिफिकल्ट है, उसके बाद तो आपको आदत हो जाएगी, आदत के बाद यूं विद इन अ स्नैप आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, अपना गोल प्राप्त कर सकते हो। और इफ योर माइंड दस वंडर, मतलब आपका दिमाग वॉन्डर कर रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम बैक टू द प्रैक्टिस एंड रिफोकस। मतलब आपका आप ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो आपको ध्यान लगाने में ये मदद भी करता है। और लास्ट लाइन, एज अ नेम सजेस्ट दिस प्रैक्टिस इज आइडियल फॉर एनी वन हु रिक्वायर एडिशनल फोकस इन द लाइफ। मतलब आपको अगर एडिशनल फोकस चाहिए, जैसे आप अभी वो लाइन सुनिए, फोकस फोकस यू प्लीज फोकस टू योर दिस थिंग, यू प्लीज फोकस टू योर स्टडीज, यू तो फोकस टू योर स्टडीज के लिए आपको करना पड़ेगा सिर्फ एक ही मेडिटेशन, वो है मेडिटेशन पार्ट 3, जिसका नाम है फोकस मेडिटेशन। और ये आपको मदद करेगा फोकस रहने में, अट्रैक्टिव रहने में, अटेंशन प्राप्त करने में, और एक्सटर्नल काम है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी करेगा आपको कि ये करो ये ना करो, हाउ टू बी पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। मेडिटेशन में चौथा आता है मोमेंट मेडिटेशन, जिसका मतलब ऑल दो मोस्ट पीपल थिंक ऑफ योगा व्हेन दे हेयर मोमेंट मेडिटेशन, दिस प्रैक्टिस में इंक्लूड वॉकिंग थ्रू अ वुड, गार्डनिंग, किगोंग एंड अदर जेंटल फोर्स फॉर्म्स ऑफ मोशन। इट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ मोशन, सॉरी मेडिटेशन, वेयर द मोमेंट गाइड्स यू। मोमेंट मेडिटेशन इज गुड फॉर पीपल हु फाइंड पीस इन एक्शन एंड प्रेफर टू लेट देयर माइंड्स वंडर। मोमेंट मेडिटेशन मैं क्या समझाऊँ आपको, जब लिखा ही यही है कि आप कि सपोज कि आप बात कर रहे हो, सपोज कि आप टीवी यानी टीवी से तो मेडिटेशन नहीं मिलेगी, बता देता हूँ। सपोज कि आप बात कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे क्रिकेट ही क्यों ना खेल रहे हो, चाहे आप रन पे ही क्यों ना गए हो, चाहे आप ड्राइव पे क्यों ना गए हो, आपको आपको जो एक्शन है जो आप कर रहे हो, जैसे आप मेरी वीडियोस ही क्यों ना देख रहे हो, तो वो भी है एक मोमेंट मेडिटेशन, ठीक है। तो जिस मोमेंट में आप वो चीज़ कर रहे हो, मतलब फ्री बैठे हो, क्या कर सकते हो, सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, या देख रहे हो ध्यान लगा रहे हो, उसको ध्यान लगाना भी एक मोमेंट मेडिटेशन है। और बता देता हूँ ये लास्ट पॉइंट है, मोमेंट मेडिटेशन इज गुड फॉर पीपल हु फाइंड पीस इन एक्शन। मोमेंट मेडिटेशन वो होता है जो जिससे लोगों को शांति मिले एक्शन से, शांति मिले एक्शन से, एंड प्रेफर टू लेट द माइंड वंडर, और उनके दिमाग बहुत चक्का हो जाए, सोच में बच जाए कि ये मेडिटेट क्या है, मतलब ये कैसा काम है भाई ये। चाहे सपोज सपोज आप सपोज एक कारपेंटर हो, ठीक है,
कारपेंटर का काम क्या होता है कि जैक प्लेन चलाना, और जैक प्लेन क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं, ठीक है, जैक प्लेन स्मूथ कहते हैं। तो आपको उसमें मेडिटेशन ढूंढनी है। आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपका काम है कि आपको सपोज एक अलग ही क्वांटिटी का, अलग ही लेवल का स्ट्रेस हो रहा है, तो आप स्ट्रेस के बाद कहाँ जाओगे, जिम, ठीक है, जिम में आप वेट उठाओगे, तो वो है आपका मोमेंट मोमेंट मेडिटेशन, ठीक है। और कारपेंटर के लिए वो काम करना, दिन रात मेहनत करना, रात एक एक रात दिन रात एक करना, वो है उसका मेडिटेशन। और ट्रैवल के लिए ये है उनका बैग लेके घूमना, वो है उनका मेडिटेशन, मोमेंट मेडिटेशन। और बॉक्सर के लिए ये है, बॉक्सर के लिए क्या करता है वो, मुक्के मारता है, नॉकआउट करता है, और नॉकआउट करते गेम खत्म हो जाती है। और ये हुक मारता है, हुक मार के बंदा नॉकआउट, तो वो है उनका मोमेंट मेडिटेशन। तो जिस मोमेंट में आपको शांति मिले वो है आपका मोमेंट मेडिटेशन, और आपके इस मोमेंट से दिमाग बहुत चक्का हो जाए वो है आपका मोमेंट मेडिटेशन। तो ये थी मोमेंट मेडिटेशन 4। इस मेडिटेशन की सीरीज में पहला आता, सॉरी पांचवा आता है मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन ये होता है, मंत्रा मेडिटेशन इज अ प्रोमिनेंट इन मेनी टीचिंग इंक्लूडिंग हिंदू बुद्धिज्म ट्रेडिशन। दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन यूज अ रिपेटिव साउंड टू क्लियर द माइंड। इट कैन बी अ वर्ड फ्रेज और साउंड सच एज पॉपुलर ओम। और मतलब ये कुछ भी हो सकता है, और ये हमारे हिंदू में, बुद्धिज्म में, और सिख्स में, और क्रिश्चियन में, पता नहीं, हाँ जैनिज्म में होता है। और आपको, आपने ये पॉपुलर फ्रेज तो सुना होगा, तो उसके उसको सुन के कितनी शांति मिली ना, है ना, मिली ना। तो ये है मंत्र मेडिटेशन। जिस मंत्र से आपको शांति मिले वो होता है मंत्र मेडिटेशन, सॉरी मेडिटेशन। और मंत्र में, और हाँ इसमें ये भी लिखा है, इट डजेंट मैटर इफ योर मंत्र इज स्पोकन लाउडली लाउडली और क्वाइटली। यार इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका जो मंत्र है वो जोर से बोल के दुनिया को दिखाना है कि हाँ मैं मंत्र मेडिटेशन कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं ओम का जाप कर रहा हूँ ना। आप मन में ही बोल सकते हो, आंखें बंद करके अपना जो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक आंख है, उसको खोलने की कोशिश करो, उसको वो जैसे ही आप खोलोगे तो वो भी कहलाती है मंत्र मेडिटेशन। और आफ्टर चैंटिंग द मंत्र फॉर सम टाइम्स, जैसे ही आप कुछ देर बाद मंत्र ये चैंट करोगे कुछ टाइम के लिए, यू विल बी मोर अलर्ट एंड इन टोन विद योर एनवायरनमेंट। आप अलर्ट रहोगे ज़्यादा, आप टोन रहोगे ज़्यादा अपने वातावरण से, अपने सराउंडिंग से, जो दुनिया में हो रहा है उससे। जैसे आप, जैसे मान लो आप एक आईपीएल प्लेयर ही क्यों ना हो, मान लो आप एक साइकिलिस्ट ही क्यों ना हो, तो उस मोमेंट में जाने के लिए और गहराई पे जाने के लिए ये आपको मंत्रा मेडिटेशन ही आपको, और जाने के लिए और गहराई में घुसने के लिए आपको मंत्रा मेडिटेशन करनी है। और दिस अलाउ यू टू एक्सपीरियंस डीपर लेवल ऑफ अवेयरनेस। ये आपको अलाउ करता है डीपर, और भी गहरे लेवल में जागरूकता लाने के लिए, और समझने के लिए, समझाने के लिए, और नेक्स्ट लेवल में अवेयरनेस के जाने के लिए। इसमें ये भी लिखा है, इसमें ये भी लिखा है, सम पीपल इंजॉय मंत्रा मेडिटेशन बिकॉज दे फाइंड इट इजी टू फोकस ऑन द वर्ड
देन देयर ब्रीथ। अब इसमें ये लिखा है कि कुछ लोग इसे इंजॉय करते हैं, एक खेल की तरह लेते हैं और फोकस करते हैं अपने सांस को छोड़ के उस वर्ड पे, उस पर्टिकुलर वर्ड पे जो वो बोल रहे हैं मन ही मन, या तो फिर एकांत में बोल रहे हैं, या तो फिर नहाते वक्त बोल रहे हैं, या तो कभी भी बोल रहे हैं, उस वर्ड को एंजॉय करते हैं, वो होती है मंत्रा मेडिटेशन। और लास्ट लाइन, लास्ट फ्रेज ये कहती है कि दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस फॉर पीपल हु डोंट लाइक साइलेंस एंड एंजॉय रिपीटेशन। इसमें ये भी लिखा है कि ये उन लोगों के लिए अच्छी प्रैक्टिस है जो कि साइलेंस पसंद नहीं है, जिन्हें साइलेंस पसंद नहीं है, जिन्हें शोर शराबा पसंद है। ये मैं नहीं कह रहा कि डिस्को में जाके बार में जाके ओम कहो ना, या तो या गाना चला वहाँ पे आप जोर से माइक में बोल दो ओम, या पार्टी में गए जोर से बोल दो ओम, या कहीं पे बीट चल रहा है वहाँ पे बोल दो ओम ना, मन ही मन बोलो, मन ही मन बोलो और एंजॉय करो रेपिटेशन को। तो ये कहता है, मैं ये कहता है मंत्र मेडिटेशन जो कि है नंबर 5। इसमें छठा आता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो कि कहता है इज पॉपुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन। दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस स्टडीज इन द स्पेसिफिक सॉरी साइंटिफिक कम्युनिटी। मतलब ये जो प्रैक्टिस है वो सब्जेक्ट है न्यूमरस स्टडीज का साइंस की फील्ड में। और ये भी कहता है कि इट इज मोस्ट कम कॉस्टोमाइजल देन मंत्र मेडिटेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया। यूजिंग अ मंत्र और सीरीज और वर्ड्स दैट आर स्पेसिफिक टू ईच प्रैक्टिशनर। तो इसके लिए कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, कोई सीरीज की ज़रूरत नहीं है, कोई वर्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ध्यान लगाना है। और दिस प्रैक्टिस इज़ फॉर दोज हु लाइक स्ट्रक्चर एंड आर सीरियस अबाउट मेंटेनिंग अ मेडिटेशन प्रैक्टिस। ये उन्हीं के लिए है जो कि एक मान लो आप एक आर्किटेक्ट हो, ठीक है, आपने बिल्डिंग बनानी है, कैसे बनेगी, सीमेंट, सरिया और वर्कर और भी एक्स वाई जी से बनेगी बिल्डिंग। तो ये कहता है छठे नंबर का, जो कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस मदद करती है आपको, ये वाली मेडिटेशन मदद करती है आपको कि आप स्ट्रक्चर बना सको सीरीज का और मेंटेन कर सको दिमाग में शांति, चाहे वो नेगेटिव हो, मोस्टली नेगेटिव जो कि इस दुनिया में चल रहा है इस वक्त, कि कोविड की में वैक्सीन नहीं आ रही तो भाई मैं क्या करूं। अरे भाई फ्यूचर में ध्यान दो ना, फ्यूचर में ध्यान दो। हाँ मानता हूँ फ्यूचर यही है कि कोविड की वैक्सीन कब आएगी, लेकिन कब पे ध्यान मत दो, अपने फ्यूचर में ध्यान दो। जो आप ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना, जो आप ये जो उसमें ध्यान दो, उसमें ध्यान देने के लिए ये छठे नंबर की जो है मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन उसको करो और फिर देखो नेगेटिव यूं भागेगी चुटकी बजा के। फिलहाल मेरे से चुटकी इस हाथ से नहीं बचती, इस हाथ से बचती है, लेकिन चुटकी बजा के भागेगी टेंशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस और डिप्रेशन, जो कि आज बहुत है, आजकल बहुत है, ठीक है। तो ये था छठा नंबर मेडिटेशन का। 7 नंबर में आता है, ये मैं करता हूँ, अगर आपको पता है नहीं तो।
नंबर में आता है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, और ऑल्सो नोन एज बॉडी कैन मेडिटेशन। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इज अ प्रैक्टिस एंड एट रिड्यूसिंग टेंशन इन अ बॉडी एंड प्रमोटिंग रिलैक्सेशन। इससे क्या होता है, आपकी जो टेंशन है वो रिड्यूस होती है, और जो टेंशन है बॉडी में वो रिड्यूस होती है, और आप प्रमोट करते हो, आप आगे बढ़ते हो आराम आराम करने के प्रोसेस में। मतलब आप एक तरीके से रिलैक्स करते हो। और ऑफन टाइम दिस फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इन्वॉल्व स्लोली टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन वंस मसल ग्रुप एट द टाइम थ्रू आउट द बॉडी। मतलब आपकी जो मसल ग्रुप है वो एक टाइम पे थ्रू आउट द बॉडी ये करने से रिलैक्स करेगी। और इन इन सम केस इट मे ऑल्सो इनकरेज यू टू इमेजिन अ जेंटल वेव फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी टू हेल्प रिलीज एनी टेंशन। मतलब एक हल्की सी, एक छोटी सी लहर आपके बॉडी पे, जेंटल सी लहर आपके बॉडी पे लहराएगी, फ्लो करेगी, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा और आपको किसी टेंशन से, किसी स्ट्रेस से, किसी डिप्रेशन से, किसी किसी भी तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आखिरी सेंटेंस इसका, दिस फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज ऑफन यूज टू रिलीव स्ट्रेस एंड अनवाइंड बिफोर बेड टाइम। ये जो प्रैक्टिस है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, वो आप आपने देखा होगा कि आपके डैड या आपकी मॉम या मैं, वो 1 घंटे पहले या 15 मिनट पहले अपना फ़ोन छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो अपनी जो मसल है, जैसे गर्दन की मसल हो गई, हाथों की मसल हो गई, तो जैसे कोई बंदा जिम जाता है, जैसे मैं जिम जाता हूँ, जिम में वो क्या करते हैं, वो ट्रेनर कहते हैं ना कि भाई तू ग्रिप मार, ग्रिप मार। तो दिन के एंड में, दिन के एंड में अगर आपने ग्रिप मारा और ग्रिप मार के सो गए, तो वो है आपकी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। ये था नंबर 7। हाँ, आठवां आता है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। ये करने के लिए आपको यूज टू सेंड इन फीलिंग ऑफ कंपैशन, काइंडनेस, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड अदर्स। ये आपको कैसे समझाऊँ, कंपैशन करता है, ठीक है, कंपैशन, काइंडनेस, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड अदर को स्ट्रेंथ करता है, ताकत देता है ये मेडिटेशन। और बिकॉज दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन इज इंडीड टू प्रमोट कंपैशन एंड काइंडनेस, इट कैन बी आइडियल फॉर दोज होल्डिंग फीलिंग ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट। मतलब अपनी भड़ास निकालने के लिए जो लोग डरते हैं, वो इस मेडिटेशन का, जो कि है लव एंड काइंडनेस मेडिटेशन, वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके यू कैन रिलाई ऑन इट, ऑन दिस, मैं ये कह रहा हूँ यूज़ कर सकते हैं। जो ताकत देता है बोलने की, जो हिम्मत देता है बोलने की, वो यूज़ कर सकते हो। चाहे आपकी भड़ास है, चाहे आपकी फ्रस्ट्रेशन है, चाहे आपकी रिजेंटमेंट है, वो सामने वाले को बोलने की कि जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, और ये आपको मदद करेगा, जो कि है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन नंबर 8। इसमें आखिरी आता है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, जो कि हर बंदा कहता है कि विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आपका ड्रीम है कि यूएस जाना है,
या यूरोप जाना है, या इस्तांबुल जाना है, या इजिप्ट जाना है, या दुबई जाना है, तो आप अपने डैड से बोलते हो कि डैड वो मेरे को इजिप्ट जाना है या कहीं पे भी जाना है, वर्ल्ड के किसी कोने में जाना है, और तो आपके डैड कहते हैं कि तू पास हो जा फिर। लेकिन लेकिन आप आपके आपके दिमाग में जो पास जो वर्ड है, जो PASS जो वर्ड है, वो घूमने लगता है, घूमने लगता है, और आप उस पास के अंदर चले जाते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, उसको इमेजिन करते हो कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं पास हो गया तो कितना अच्छा है आपके लिए, आपके पापा के लिए, आपकी मम्मी के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, आपके नाना नानी के लिए, आपके गर्लफ्रेंड्स के लिए, आपके किसी के लिए कितना अच्छा है। आप आगे बढ़ोगे, फेल से भी आगे बढ़ोगे, लेकिन फेल से जो बेस पड़ेगा वो फेल 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 फेल, इवेंचुअली इवेंचुअली जो चौथा जो होगा वो होगा सक्सेस, ठीक है। और विजुअलाइज मेडिटेशन से आपको ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि अगले साल, अगले के अगले साल, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 ईयर डाउन द लाइन, 20 साल के बाद, 19 साल के बाद, आप कहाँ पे हो, और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। जैसे मेरे को दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, वो इतना दूर जाते हैं, इतना दूर जाते हैं कि वो सांस ही नहीं ले सकते। और उनसे अगर मैं पूछूं कि भाई ये मेरे को समझा दे, तो मैं उस टाइम उनकी जगह होता हूँ, और वो अपनी जगह तो होते ही है, मैं उनकी जगह में होता हूँ, और उनकी जगह में होके ये इमेजिन करता हूँ कि वो कितना होंगे, मतलब कितना होंगे ऐसे कितना स्ट्रेस में होंगे। तो ये है आखिरी मेडिटेशन का फंदा, जो कि है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, जिस जो आपको इमेजिन करने में हेल्प करता है किसी चीज़ की, किसी मार्क्स की, किसी सब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की मदद करता है, वो कहते हैं, कहलाता है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। ये तो हो गई मेडिटेशन की बात, जो कि है एम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डी, जो कि आज बहुत चल रहा है, कि बॉलीवुड में चल रहा था कि ये जो आया, जो इंसिडेंट हुआ है हथरस में, उससे पहले जो कि बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ड्यू टू दिस इंसिडेंट हमारा ध्यान भटका दिया है हथरस ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हथरस का जो वो है इंसिडेंस है वो हमें वो नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बेटी के साथ रेप हुआ है, बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, जो कि बहुत ही गलत है। चलो रेप के बारे में कोई अलग वीडियो में बोलेंगे, बताऊंगा आपको। अब बताते हैं डी के बारे में, डी से आपको क्या क्या दिमाग में आ रहा है। डॉग, ठीक है, डिग, दीपिका, वो डायनमो, पबजी प्लेयर, ठीक है, डायनमो, और वो कास का जो ब्लू था वो डायनोको, ठीक है। और डी से सबसे गंदी चीज़, सबसे गंदी चीज़ जो आप भूल रहे हो, हाँ वही जो कि यूथ को ख़राब कर देती है, वो है DRUGS, ड्रग्स। यार ड्रग्स का क्या है कि चाहे आप टैब के फॉर्म में लो, टैबलेट्स के फॉर्म में लो, चाहे आप कैप्सूल के फॉर्म में लो, चाहे आप इंजेक्शन के फॉर्म में लो, चाहे आप पानी में घोल के पियो, चाहे आप स्टैम्प के फॉर्म में क्यों ना लो, वो आपके बॉडी को हार्म करेगी करेगी, और आपका जो पैसा है
जो माँ बाप ने आपके ऊपर लगाया है या लगाना है वो बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद होने के का मेन कारण है द कैपिटल लेटर डी। तो मेरे इस यूथ से जो कि है 18 से 20 साल या 20 से 40 साल के जो यूथ है उनसे कि हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि डोंट टेक ड्रग्स, प्लीज प्लीज डोंट टेक ड्रग्स, इट इज नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, और धूम्रपान से बचो, धूम्रपान नहीं होने दो। जो मैंने ये मेडिटेशन के फॉर्मूले बताया है उसको दिमाग के पट खोल के सुन लो, और फिर देखो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचते हो, और यहाँ से यहाँ कैसे, ऊपर से नीचे से ऊपर कैसे पहुँचते हो, और आप नहीं चाहोगे कि आपके मॉम डैड आपको रिहैब भेजे, ठीक है? आप आपने संजू मूवी जो देखी है, देखी होगी, उसमें वो संजू में वो जो कमली था, कमलेश, कमलेश वो वाला नहीं, डुन 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 वाला ना, कमलेश मैं उसकी बात कर रहा हूँ, संजू बाबा का दोस्त। तो संजू बाबा का दोस्त ने उसको मदद की ड्रग्स से लाने में, ड्रग्स से खींचने में, और रियलिटी दिखाई ड्रग्स के बाद, और दुनिया दिखाई ड्रग्स के बाद। तो यू कैन फाइट फॉर विद ड्रग्स, फॉर ड्रग्स एंड फ्रॉम ड्रग्स, नॉट फॉर ड्रग्स, ना ना, ड्रग के साथ कभी फाइट नहीं कर सकते, ड्रग के साथ कभी फाइट नहीं कर सकते। यू कैन फाइट फ्रॉम ड्रग्स, यू कैन फाइट विद ड्रग्स, यू कैन, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, वेट फॉर वेट ऑफ फ्रॉम से भूल जाओ, को भूल जाओ, यू कैन फाइट फ्रॉम ड्रग्स, आप ड्रग्स से लड़ सकते हो, आप कोई भी जंग जीत सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपकी मेंटालिटी के ऊपर है, आपके आपके अंदर जो इंसान है, आपके अंदर जो आदमी है, आपके अंदर जो इनर पीस है वो आपको बताएगी लेना है या नहीं लेना। एक बार पूछ लो, एक बार पूछ लो कि लेना है कि नहीं लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई मत लो, लो लो लो, लेकिन दवाई जैसे ही खत्म हो तो दवाई का पत्ता रखो रखो, लेकिन लेकिन रखने के बाद ये ना करो कि हाय मेरे दांत में दर्द हो रहा, तो मैं वो होता है ड्रगी, ठीक है, वो होता है ड्रगी, ये आपके ऊपर है, लेना है नहीं लेना, ये आपके ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और मेडिटेट करना, और ये जो चार वर्ड जो बोले हैं, जो चार चीज़ें जो बोली है वो करके जाना, मन को बहुत अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करवा के जाना पापा को, मम्मी को, चाचा को, चाची को, ताया को, ताई को, अंकल को, आंटी को, मासा को, मासी को, और अपने अपने ग्रुप में ये वीडियो फैला दो, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, शब खैर, बाय बाय, ध्यान रखो और टेक केयर एंड बी सेफ बी हेल्दी।